हेलो, नमस्कार। आज हम कक्षा 2 कलरव का पाठ बया हमारी चिड़िया रानी का सहस्वर वाचन करेंगे और आप लोग इसको सुनने और उसके बाद इसका अर्थ और इसका अभ्यास भी कराएंगे। बया हमारी चिड़िया रानी माधवी वर्मा द्वारा लिखित है। बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। बया हमारी चिड़िया रानी, तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से पानी भर लाती। बया एक छोटी सी चिड़िया है, उसमें कवित्री ने उसके मेहनत और उसकी सूझबूझ के बारे में वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि हम जैसे घरों में रहते हैं, चिड़ियाँ घोंसले में रहती हैं और भी अपना घोंसला तिनके ला ला कर बनाती हैं और बड़ी ऊंची सी डाली पर रखती हैं। खाने के लिए खेतों से दाने लाती हैं, क्योंकि खेतों में फसलें होती हैं और नदियों में पानी होता है। उसके लिए बच्चे कह रहे हैं, तुझको दूर न जाने देंगे, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी, मीठा मीठा ठंडा पानी। बया हमारी चिड़िया रानी, बया हमारी चिड़िया रानी। अब आप लोग बताइए कि कौन कौन सी चिड़ियाँ आपने अपने गांव में देखी हैं और कौन कौन सी चिड़ियाँ घोंसला ऊंचे पेड़ पर बनाती हैं या फिर कुछ तिनकों से बनाती हैं। क्या बया अपना घोंसला लंबा बनाती है या डालियों के बीच में बनाती है। चिड़ियाँ दूर ना जाएं, इसके लिए हम बच्चों को क्या करना चाहिए। चिड़ियाँ दूर ना जाएं, इसलिए हमें अपने आंगन में कुछ खाने के दाने और कुछ पानी की व्यवस्था करें और हम बच्चे उनका ध्यान रखें। इसी तरह से और कौन कौन से जानवर आपने अपने आसपास देखे हैं उनके बारे में बताएं और इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी पे कर लें। धन्यवाद।